तो जो सेकेंड डे इन प्रयागराज मेरा जो काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, कहाँ पे? हाँ, मैं जौनपुर जाऊँगा। यहाँ से गुड्डू भैया के घर पे जाऊँगा। अभी गुड्डू भैया के घर मेरे को बस से जाने 100 किलोमीटर से, तो 3 से 4 घंटा लगेगा। अभी मैं ऑटो में वापस जा रहा हूँ। पहले अभी मैं सोचो लंच कर दूँ, उसके बाद जाऊँगा। अरे यूपी वाले को खतरनाक क्यों बोलते हैं? बताता हूँ। गाड़ी पर लिखा जाता है हॉर्न ओके प्लीज़। यूपी की गाड़ी पर लिखा जाता है दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। देख रहे हो सैक भाई साहब, पूरी बॉडी अकड़ गई है 80 किलोमीटर बैठ के। अभी भी 26 किलोमीटर बाकी है और मैं जा रहा हूँ जौनपुर। पता है किससे मिलने? गुड्डू भैया से, मिर्ज़ापुर वाले गुड्डू भैया से। क्योंकि वो गुड्डू भैया भी कुछ कम नहीं है उस गुड्डू भैया से, इसलिए वो जौनपुर में शिफ्ट हो गए। तो उनसे मिलने जा रहे थे क्योंकि वो वहाँ पर गए हैं सत्ता हासिल करने। मजाक करो, भाई है मेरे, तो उनके घर पर जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा। पहुंच चुके हैं, बस गुड्डू भैया का वेट करें। गुड्डू भैया कहाँ रह गया अभी, इनको मैं फोन करके बताऊंगा। पहले इनको समझाना पड़ेगा कि मैं फोन कहाँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता। इसका नाम बोलूँगा डी मार्ट, हमारे इधर डी मार्ट, इधर वी मार्ट, बिकॉज वी ऑल स्टे टुगेदर। मेरे दो भांजे, एक अभिनव और एक कृष्णा बाबा, जिसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। इसका तो नाम ही एक, पता है एक सीरियल आता था प्रतिज्ञा करके, उसमें एक जो मेन कैरेक्टर था कृष्णा, इसका नाम उस पर से पड़ा है। बेचारा ऐसे दुख मना रहा है, ऐसे स्टोरी नहीं बतानी होती है। पर ये अभी तक पूरे लाइफ टाइम में, अभी तक मेरी जितनी भी लाइफ टाइम है, अभी तक का स्मार्टेस्ट किड आई एवर सीन। अभी तक इसका नॉलेज ना मैं कल दिखाऊंगा कितना पता है। ये बच्चा 5th स्टैंडर्ड में और ये 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, पर इसको ये अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। इसकी उम्र में हम गेम खेलने भाग जाते थे क्लास बंक करके, क्रिकेट खेलने, पर ये बच्चा, इसको सब पता है सब। इसको भी बहुत कुछ पता है 2nd स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर इसका भी नाम ले लेते हैं। पर ये थोड़ा, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है, बस ये दोनों मेरे को ये दिख रहे हैं। कल मैं भी पहले इनकी जैसे हूँ और मैं भी शरारती हूँ, ये भी शरारती अभी के लिए नहीं है अभी। कल हम मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे जब हमने प्लान बनाया सुबह वॉक पे जाने का। ओके, तो मिलते हैं सुबह, चलो बाय बाय। तो टुडे इज द 2nd डे माई इन जौनपुर। अभी हम लोग सुबह के 7 बजे, हमारा प्लान था सुबह 5 बजे जाने का, पर हम सबके सब सोते रह गए। तो अभी 7 बजे हम लोग ऐसे वॉक पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कचहरी और कचहरी मतलब कोर्ट, उधर वॉकिंग का कुछ होगा तो उधर जा रहे हैं अभी हम लोग। और वहाँ पे इसने मेरे को बोला है कि मैं आपसे रेस लगाऊंगा, तो ये मेरे से रेस लगाएगा। गेस करो कौन जीतेगा। हाँ हाँ, धुआं निकल रहा है मनाली के बाद ना, यहाँ पे ऐसे लेयरिंग करके कपड़े पहनने पड़े, अंदर टी शर्ट, फिर हुडी, फिर जैकेट, ग्लव्स। बहुत ठंडी है भाई, रात में इतनी ठंडी नहीं पता चल रही थी, पर भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये बहुत शर्माता है, देखो तो कल भी यही बात थी, आज ही यही बात है, रोज शर्माता रहता है। ये जौनपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अभी, और इसके अंदर जगह होगी वॉक करने के लिए। और ये बच्चे, छोटे बच्चों का यही होता है, ये हमेशा एक्साइटेड होता है कहीं भी जाने के लिए, सुबह वॉक करने के लिए। ये बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि मैं आया हूँ, इसे कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। सही है, चाय पियोगे? कुल्लड़ वाली है पूरा जौनपुर का अदालत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सब एकदम पता है रेड कलर का, एकदम जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाते थे ना, वैसा ही है। पर अच्छा लगता है देखने में, अपने इधर कैसा होता है एकदम सिंपल, वही ईंट सीमेंट वो सब का, इधर डिज़ाइन अलग अलग होती है, मस्त लगती है सारी डिज़ाइंस। ये अंकल लोग वॉक कर रहे हैं। ये आंदोलन हो रहा होगा जिसका 127वां दिन है आज, दिनांक 13/12/2021, 4 माह 5 दिन। कोई तो आंदोलन चल रहा होगा, सही है, कोर्ट के बाहर ही आंदोलन। हेलो, छोटे छोटे पिल्ले ठंडी में कांप रहे बेचारे, कितने छोटे यार ये, मतलब पता है 35 या 40 डेज के होंगे सबके सब, ये सब डर रहे, इतना छोटा है। हेलो गाइस, इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा। ये देखो ये खेल रहे लात, भू भू वो एक, देखो सब अपने अपने घर में ही, इन लोगों को ठंडी लग रही है ना इतनी। एक उसको लात मारे, बोले जाना, अरे खा जाऊंगा तेरे को, तेरा कान बहुत प्यारा है, चिकन खाना, चिकन खा जाएंगे तेरे को। इन लोग का ऐसा प्लान है, एक को काट देते और खा लेते सब। देखो इसी को खा रहे, ब्राउन वाले को ऊपर सब चढ़ रहे लोग, भाई भाई ये बहुत दोस्ती करते हैं। दोस्ती में देखो वो अंदर घुसा है, मैं जा रहा हूँ अंदर, तुम मेरे को नहीं खेलना, हट। सब घर के अंदर बैठे हुए, चलो अच्छा ब्लॉक हो गया। कितने कोर्ट का गार्डन है, और ये कोर्ट का वेल है, कुआं बोलते ना, कानून बहुत गहरा है ये, इसलिए गहरा है। देखो अगर अंदर फोन चला गया ना, गहराई भी नहीं पता चलेगी।
भाई सच में कितना गहरा दिख भी नहीं रहा है ये तो, पता है भूत वाला है कि। तो ये क्रांति स्तंभ है, इसमें लिखा हुआ है भारत छोड़ो 1940, जो स्टोरी बताता हूँ 1942 में कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया होगा भारत छोड़ने पर, तो ब्रिटिश पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी, तो उसमें जिन लोगों की जान गई थी ये उनके लिए वो स्टंप बनाया गया। ठीक है, उसके कोर्ट में तो बहुत चाय पिए आज, जौनपुर के कोर्ट में चाय पी रहे, वो भी कुल्लड़ में। जल गया बड़ा मजा, मस्त चाय पर मैं जल गया, गला जल गया। देखो छोटे छोटे बच्चे, वो चाय में छोटा बच्चा नहीं है, नहीं तो फिर कितना बड़ा है ये? फिफ्थ स्टैंडर्ड में ना तू? फिफ्थ स्टैंडर्ड में 11-12 साल का होगा, 11-12 साल का ना, 12 साल का। इसका नॉलेज देखना, नॉर्मली अभी जो चल रहा है जनरल बिपिन रावत का, उसके बारे में पूछ लो, देखो कितना पता है, बताओ आप। उनके पास 18 मेडल थे, पहले सीरियस थे, और 14 लोग मरे, अरे मतलब कि 13 लोग मरे हैं, एक लोग जिंदा है जिनका नाम वरुण सिंह है, कैप्टन थे, और वो जो हेलीकॉप्टर था हेलीकॉप्टर सबसे मजबूत था, और वो उससे जो पीएम चलते थे, और उसमें से क्या मिला था, ब्लैक बॉक्स मिला था जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। देख रहे हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में 12 साल की उम्र में, आजकल के बच्चे न्यूज़ व्यूज़ सब करंट अफेयर्स में इतने अच्छे हैं, और हम 12 साल के थे, अरे सुबह उठना है खेलने जाना है ग्राउंड में, बैट लेके भागो शाम को, अरे खा पेट डर के बहाने घर पे वापस आ जाओ, ऐसा करते थे हम। अरे हाँ, क्या अब इसे असली दिख रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, बोल बोल। पहले ये कैसे था, अब कैसे, आप देख के पहचान जाओगे? अभी मैं नींद में हूँ क्योंकि हम सब नींद में उठ के आए। ये बनारस का त्रिलोचन महादेव मंदिर जो बहुत फेमस है, और यहाँ पे आवाज नहीं आ रही होगी, देख लो ये बहुत फेमस मंदिर, मैं खुद यहाँ पहली बार। अपने गांव में आया हूँ जहाँ पे मैं 8 साल बाद आया हूँ, पापा मम्मी के साथ आ रहा था इसी गांव से, हमारे पिता श्री ने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की है, फिर उसके बाद तो पापा ने बाहर से की कॉलेज वॉलेज, फिर अभी जाएंगे गांव के घर पे, इधर एक हॉस्पिटल में आ रहे काम था। इधर मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो बाहर बस खड़ी थी, भैया की शादी थी, मज़ा आ रहा है मेरे को। गुड्डू भैया है, बबलू भैया के भाई असली वाले। आपने अपना बचपन इधर ही निकाला ना, पूरा 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 बचपन अपने ननिहाल में, यहीं से शिक्षा की शुरुआत भी हुई है। सही है, पापा की भी, भैया की भी, दीदी की भी, दीदी की। हमारा ननिहाल है, हमारे मामा का, मेरे मामा का लड़का है। ये रास्ता पहले बहुत बड़ा था, अभी छोटा हो गया। अरे गाँव में आ चुका हूँ, इधर पीछे घर है, जब मैं छोटा रहा ना तो इधर ही पापा गाड़ी लाके खड़े करते थे, हम लोग इधर घूमते थे पूरे टाइम, इधर ही खेलते थे, पीछे दलदल टाइप कुछ था वहाँ, पिकॉक हमेशा आती रहती थी, वो पिकॉक को देखता था मैं। इधर पपैया का पेड़ था जो मैं तोड़ देता था, कच्चे पपैया का, और हमको ऐसा डराया गया था कि ये बांस के पेड़ में ना भूत रहती है, तो इसलिए हम लोग इसके पास नहीं गए, बच्चों ने बहुत डराते थे हमको भाई। मस्त गाँव है यार, हमारे गाँव का कुआँ वेल, इधर मैं ये छोटा था ना बहुत बार पानी निकालने आता था, मतलब मेरे को ये कुएं का पानी का, ये कुएं के पानी का टेस्ट अच्छा लगता था मेरे को। ऐसा पानी है क्या, अभी किचड़ हो गया यार, कोई यूज़ नहीं करता होगा। सही है, पूरा गांव धराव, गांव धराव, ड्राइविंग हो गया ना, ये नहला नहाए हुए इसलिए इन लोग गर्मी ढूंढ रहे हैं। ये बेचारे के सिर्फ 3 पैर है, इसके सिर्फ 3 पैर है, देखो क्यूट पप्पी, रो मत यार, जाओ सो जाओ। के पास में गया था प्यार करने के लिए, मेरे को डरा के भगा दिया, ऐसा थोड़ी करना होता है यार भाई। तुम पहले डिसाइड कर लो, गाय होगी बकरी, गाय बकरी, गाय बकरी,
बड़ी गाय। अरे अरे क्या प्रॉब्लम है भाई तुम दोनों को, तू भी डरा रही है। ये वो जगह है जब हम गांव में आते थे तो सबसे ज़्यादा टाइम हम यहीं पे स्पेंड करते थे, क्योंकि हम बचपन में हमें ये तालाब में नहाने में बहुत मज़ा आता था। इसको यहाँ पे सब पोखरा बोलते हैं, और इसी पोखरे में दीदी घुस गया खड्डे में मैं, हाय हाय। इसी पोखरे में दीदी डूबी हुई थी पता है, और यही पोखरे का पानी पी गई थी बहुत सारा, फिर बुआ ने बचाया था उसको। दो बार उधर भी है क्या, उधर बड़ा तालाब है, इधर से जाते थे नहाते थे। हाँ। और पति भी आते वो भैंस के ऊपर चल जाता था। पति तो पूरा पार कर लेता है, पार नहीं पाते। मेरे को आता ही नहीं है तैरना। तुम तैरना है वो? ना। यहाँ पे जो तालाब था ये हमारे पूर्वजों की तालाब है, जो कि सूख चुकी है, बहुत कम पानी है इसमें। सन छोटू को लेके जा रहा हूँ पानी पूरी खाने, क्योंकि मैं ऐसे सूरत में रोज़ पानी पूरी खाता हूँ, तो मैं सोचा एक बार इधर का भी खा के देखें। अलाहाबाद में खाया था, वाराणसी में नहीं खाया था। वाराणसी के जो छोले होते हैं ना एक नंबर होते हैं, इसलिए वाराणसी नहीं जौनपुर एक नंबर होते हैं। और ऐसा बोलते बोलते मैं मुँह में पानी आ गया, तो हम लोग जल्दी जल्दी खाने जाए। चलो 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 चलो, बस चीपे की पानी पूरी पेट भर के खाएंगे हम लोग ना। देखो पानी पूरी खाने में तो बहुत मज़ा आया, पर ये भाई साहब का दांत टूट गया पानी पूरी खाने में। सोचो अगर नारियल खाते तो क्या होता, इसका दांत टूटा ना। हाँ ये इसका दांत टूटा, ऐसे खाते थे अब बोलते हुए। देखा दांत टूट गया बेचारे का। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय ये प्यारे प्यारे बच्चों को, गुड्डू भैया को और भाभी को, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं चंदौली जा रहा हूँ नानी के पास। तो इन लोगों ने बोला था कि एंडिंग हमारे साथ करेंगे हम, तो इसलिए अभी ये एंडिंग करेंगे। चलो बाय बोल दो सबको, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे थैंक यू फॉर वॉचिंग तो बोलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लोग स्कूल जा रहे हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये बेचारा रोने लग गया था कि इसको भी मेरे साथ जाना है, तेरे को लेने आऊंगा मैं, ठीक है। अभी कितना शर्मा रहे हैं दोनों। चलो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब प्लीज शेयर। कृष्णा को स्कूल छोड़ने आया था, कृष्णा ने मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया है। ये है क्या नाम है, यथार्थ यादव तिवारी, तन्मय तिवारी, और तू शिवम यादव। ये सब कृष्णा के फ्रेंड है। अब कृष्णा को मैं बाय बोलूँगा क्योंकि इन लोगों का स्कूल टाइम चालू होने वाला है। बाय बाय एवरीवन।